और दोस्तों उम्मीद सीरियल के आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बर्फी देवी आखिरकार मीत अलावत को अपने कब्जे में करवा कर और झूठ बुलवा देती हैं। क्योंकि जहां पर मीत हुड्डा ने काफी प्रयासों के बाद तो मीत अलावत और मीत अलावत के फादर राजवर्धन के बीच में सब कुछ ठीक करवाया है और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में फिर दूरियां बढ़ती हुई नजर आने वाले हैं बाप बेटों के बीच में, वो भी बर्फी देवी की वजह से। जी हाँ, क्योंकि बर्फी देवी की बेटी यानी कि नीलू प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट भी वो किसी और से है, क्योंकि इस तरीका का झूठ वो बुलवाती हुई नजर आने वाली हैं बर्फी देवी इस समय, जो कि मीत अलावत से। क्योंकि जिस तरीका से घर में खुशियां मनाने के लिए उत्साहित हो रही है बर्फी देवी, क्योंकि बर्फी देवी भी इस चीज़ को जानती है कि नीलू किसी और लड़के से प्रेग्नेंट है, लेकिन दूसरे का पाप वो मीत अलावत के सिर पर मढ़ना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों मीत अलावत की मजबूरी है, क्योंकि अगर मीत अलावत ने बात नहीं मानी बर्फी देवी की तो सबरे का सबरा राज जो कि ईसा को बता देंगे कि तूने गाड़ी से टक्कर मारी है दीप को। इसीलिए दोस्तों मीत अलावत बार बार वही चीज़ मानने को मजबूर होता है कि जो वाकई में बर्फी देवी बुलवाती हैं। साथ ही दोस्तों मीत हुड्डा जल्द ही पता लगाएगी कि आखिरकार कहानी में पूरा ट्विस्ट क्या है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले से ही मीत हुड्डा और मीत अलावत उस बच्चे के साथ में काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बच्चा एक उस बच्चे के साथ में पूरा परिवार ही खुश है और परिवार ने वाकई में उस बच्चे का बहुत अच्छे तरीका से स्वागत भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मीत हुड्डा को टेंशन हो रही है। ये तो मीत हुड्डा भी जानती हैं कि जो नीलू के पेट में बच्चा है वो किसी भी उनकी मत पे मीत अलावत का नहीं हो सकता। लेकिन अब कहानी में वाकई में देखने लायक ट्विस्ट, बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस समय पूरी तरीके से मीत हुड्डा को पता चल चुका है कि आखिरकार ये वजह रही है नीलू से शादी करने के लिए। लेकिन इतना तो कंफर्म करना ही पड़ेगा कि आखिर ये वजह क्या है कि मीत अलावत ने फिर से एक जुर्म और कबूल कर लिया है अपने सिर पे। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए।